नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम और इस वक्त हम आपको तीन जो हैं यहाँ पर खड़े हैं व्यक्ति, एक दो महिलाएं हैं और ये व्यक्ति खड़े हैं, उनसे बातचीत कराएंगे। कुछ एक मामला आया है, कुछ दिन पहले भी एक मामला आया था जठलाना में, जहाँ पर कुछ सरकारी ग्रांट का लालच देकर जो है एक महिला से जो है उसके सोने चांदी के जो जेवरात है वो एक व्यक्ति जो है, एक शख्स जो है वो ले गया था। और ऐसा ही मामला आज रादौर के ओड कॉलोनी का सामने आया है। बातचीत करते हैं जी, क्या मामला था ये आपका, कैसे क्या है? सर, वो हमारे घर पर आया, बोलने लगा कि आप लोगों की ग्रांट आई हुई है, तो उसने बोला कि हमारे राशन कार्ड की आधार कार्डों की फ़ोटो स्टेट करा लूँ। ठीक है सर, तो फिर उसने बोला कि मेरी सास को बोला कि अपने बच्चों को लेके आओ साहब को, और घर पे जब हम अकेले थे तो वो आया, उसने देखा कि ये बर्तन उठा के बाहर रख दो, वो बर्तन उठा के रखने बाहर लग चले गए, तो उसने एकदम से सारा सामान लेके चले गया, वो बाली वगैरह जी सर। और फिर उसने बोला कि अगर ये, इसने वो चिल्लाने लगे तो उसने बोला कि मैं मार दूंगा तुझे, धमकी दी उसने। हथियार भी ले रहा था? हाँ जी सर, चाकू ले रहा था। चाकू जी सर। तो पहले भी आता था आपके पास वो? नहीं सर, पहले कभी नहीं आया, आज पहली बार आया, लेकिन आया सर रादौर में, फिर आया वो कई घरों पे गया, सैनियों के, कश्यप के और उनके मुसलमानों के घर पे कई घरों पे गया सर। मतलब ओड कॉलोनी में काफी, आपकी कॉलोनी में काफी जगह? हाँ जी सर, काफी जगह गया सर, सुबह से वो काफी घरों में फिर चुका है, लेकिन बट सर उसको कहीं और ये सामान नहीं मिला, उसने यहाँ पे मौका मिला तो यहाँ पे ले गया। तो क्या कुछ ले गया आपका? बाली ले गया है सर, सोने की। सोने की बाली जी सर। ठीक, तो क्या नाम है आपका? कविता। हाँ देखिए, जैसे कविता ने बताया कि किस प्रकार से जो है भोले भाले इंसानों को आज आप देख सकते हैं कि लालच देकर और इस प्रकार के जो ठग हैं या चोर हैं या जो भी हैं वो पलीता लगा रहे हैं। एक काफ़ी गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से जो है अपना घर का गुजारा चलाते हैं, और इस प्रकार से अगर चोरी की घटनाएँ लगातार बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं इनको भी मायूसी इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं साफ नज़र आ रही है। तो हमारी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें, क्योंकि हम सिर्फ यही सभी लोगों को कहेंगे कि अगर आपका कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति आता है कि आपकी सरकारी जो ग्रांट में आपका नाम आ रहा है, तो कम से कम आप संबंधित जो विभाग है, चाहे वो नगर पालिका से आपको लाभ मिलना है या आपको पंचायत से लाभ मिलना है, जिस भी विभाग से आपको लाभ मिलना है, कम से कम आपको उस विभाग में जा कर के, उस दफ्तर में जा कर के एक बारी जो है पता कर लेना चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो ठगी का शिकार हैं आप लोग ना हों। रादौर व आसपास की खबरों के लिए देखते रहें नवदेश टाइम। नमस्कार।